classes. Myself, Bhagwati Pandey, your social science teacher. Today I will explain you chapter 2 of standard 8. The name of the chapter is environmental pollution. इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आज दो पॉइंट्स आपको समझाऊंगी, वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन. सो जस्ट लिसन केयरफुली. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब जो हमारा पूरा वातावरण किस तरह से प्रदूषित हो रहा है, उसको सुनिए बच्चों ध्यान से. पहले देखिए, दो बर्ड्स हैं, रो रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा एनवायरमेंट है उसको हमने पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर दिया है. हमारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, बर्ड्स सबको बहुत परेशानी है, और इस कारण से हमको इसका निवारण करने के लिए चैप्टर हम आपको समझाएंगे. देखो दोनों चिड़िया कैसे रो रही हैं, क्योंकि सारे पेड़ कट गए हैं, उनको घर बनाने के लिए जगह नहीं है उनके पास. वो बेचारे अब घरों में कहीं जगह लेके अपना घोंसला बनाते हैं, तो लोग उनके घरों को घोंसलों को फेंक देते. तो सुनिए किस तरह से हम इस चैप्टर में पॉइंट वाइज आपको एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में समझाएंगे. डेवलपमेंट इज राइट ऑफ ह्यूमन बींग्स. इट मीन्स वेयर एवर एंड इन वट एवर फील्ड देयर इज स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, मैन हैज़ द राइट टू प्रोग्रेस. बच्चों डेवलपमेंट हर इंसान की, हर मनुष्य की जो है बहुत ही ज़बरदस्त, उसकी जो चॉइस के साथ उसका एक अधिकार है. और इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी कोई भी जगह उसको लगता है कि डेवलपमेंट किया जाए तो अपनी उसके पूरे अधिकार में आता है कि अपनी प्रोग्रेस को करे. पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज है ओपन अप वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट. बच्चों ये जो हमारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और साइंस के फील्ड में जितनी डिस्कवरीज हुई, उसके कारण क्या हुआ कि हमारे यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल गई टेक्नोलॉजिकली, जो कि उनको बढ़ाया गया, और इससे क्या हुआ कि हमारी प्रोग्रेस काफ़ी आगे गई. दिस डेवलपमेंट हैज़ लेड टू एम्पल चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ. और इस जो भी हमारे डेवलपमेंट हुई, विकास हुआ, उससे हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ गिवन अ बैंड टू क्रिएटिविटी इन सच अ वे दैट द प्रोडक्शन टेक्निक्स हैव सिंप्लीफाइड. इससे क्या हुआ कि जो सारे एडवांस जितने भी नॉलेज हम लोगों के पास आए, तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आए, तो ये प्रोडक्शन टेक्निक्स बढ़ी, उन्हें सिंप्लीफाई किया गया. इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, टेलीफोन, व्हीकल्स, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट. ये सारी चीज़ें हमारे विकास में इनका एक महत्वपूर्ण रोल है. किस किस का? इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे रेलवे हो, टेलीफोन हो, व्हीकल इंडस्ट्रीज हो, व्हीकल्स हो, इंडस्ट्रीज हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये सारा हमारा डेवलपमेंट के बाद ही हो पाया है. ड्यू टू द अनलिमिटेड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाटर एंड एयर, नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बिकम इम्प्योर. बच्चों बहुत ज़्यादा जो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे नेचुरल रिसोर्सेज का, पानी, हवा और जितने भी हमारे पास वेजिटेशन है, धीरे धीरे वो कैसे हो जा रही है, इम्प्योर होती जा रही है. पॉल्यूशन हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड. पूरी तरह से चारों तरफ हमारा क्या फैल गया है, प्रदूषण यानी पॉल्यूशन. इट इज़ मैंडेटरी टू मेक एन एफर्ट टू सी द अंडर स्टैंड बोथ पॉल्यूशन एंड डेवलपमेंट इन देयर ओन वे. ये बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान को इसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए, देखना चाहिए कि उसके आसपास जो पॉल्यूशन और डेवलपमेंट है, वो अपने पॉल्यूशन जो है वो क्या डेवलपमेंट के कारण ही तो नहीं हो रहा है, और ऑब्वियसली हो ही रहा है, तो हमें उन कारणों को दूर हटाना चाहिए. टुडे लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड स्पेस पॉल्यूशन हैज इंक्रीज. आज के समय में भूमि का, पानी का, हवा का, और साथ ही साथ जो आवाज़ का एक नॉइज प्रदूषण का, जो स्पेस का भी पॉल्यूशन है, वो भी बढ़ता ही जा रहा है. इट्स एडवर्स इफेक्ट्स हैज बीन एक्सपीरियंस बाय ह्यूमन लाइफ. और ये ह्यूमन लाइफ के द्वारा इसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है. एंड जो भी एनवायरनमेंट है वो किस तरह से पॉल्यूशन, एक तो हम लोग उसके कारण इफेक्टेड हो रहे हैं, और हमारा एनवायरनमेंट भी. एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा तो हमारे सारे जितनी भी एक्टिविटीज है वो अफेक्ट करेगी. विद इंडस्ट्रीज कमिंग अप ऑन अ लार्ज स्केल, वेरियस काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट हैज इंक्रीज. और इस कारण से बच्चों अलग अलग तरीके से जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो पॉल्यूशन के कारण जो हमारा आसपास का वातावरण खराब हो रहा है, उसको हम रोक नहीं पा रहे, कम नहीं कर पा रहे, बल्कि वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है. एमंग इट वाटर, एयर एंड लैंड पॉल्यूशन आर मेन. इन सब में से पानी का, हवा का और जो ज़मीन का पॉल्यूशन सबसे मेन है. ऑल द थ्री आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स टू सस्टेनिंग लाइफ. ये तीनों के बिना, पानी, जमीन और हवा के बिना जीवन ही संभव
नहीं है। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे वाटर पॉल्यूशन, पानी का जो प्रदूषण है उसके बारे में समझाएंगे। इंडस्ट्रीज रिक्वायर वाटर एंड इन दिस प्रोसेस व्हाइल द प्रोडक्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड दिस वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड एंड कंसिडरिंग इट टू बी यूजलेस इट इज ड्रेन इन टू रिवर्स ओपन कैनल्स और ओपन ग्राउंड। बच्चों जो भी इंडस्ट्रीज में पानी यूज किया जाता है प्रोसेस के बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये पॉल्यूटेड हो जाता है प्रदूषित हो जाता है, तो अब तक उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती तो उसको क्या किया जाता है ओपन रिवर्स में ओपन कैनल्स में ग्राउंड में रिवर्स में इनको छोड़ दिया जाता है ड्रेन किया जाता है, जिसके कारण ये केमिकल ओरिएंटेड वाटर पॉल्यूट्स द रिवर वाटर और ये सारे जो प्रदूषित और विषैला पानी होता है हमारी नदियों के पानी को जमीन को और साथ ही साथ कैनल्स के पानी को भी प्रदूषित कर देते हैं और जहरीला बना देते हैं। दिस ड्रेन वाटर ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉल्यूट्स द नेचुरल वाटर और ये हमारे नेचुरल वाटर को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। बच्चों ये जो नेचुरल वाटर का फ्लो है रिवर का जो है उसमें प्रदूषित वाटर मिल जाता है तो लोग अगर उसे यूज़ करते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। अबव ऑल द वाटर ड्रेन ऑन ओपन ग्राउंड ग्रेजुअली गेट्स एब्जॉर्ब इनसाइड एंड पॉल्यूट्स द ग्राउंड वाटर टू और इसके कारण क्या होता है बच्चों ये पानी जो कि छोड़ा जाता है ओपन ग्राउंड्स में ये पूरी तरह से हमारे उस ग्राउंड को के साथ साथ अंडरग्राउंड पानी को भी प्रदूषित कर देता है। अर्बनाइजेशन इज वाइड स्प्रेड धीरे धीरे शहरीकरण होता जा रहा है फैलता जा रहा है। द वाटर फ्रॉम ड्रेन्स इन अर्बन एरियाज इज पोर्ड इन टू रिवर्स एंड पॉन्ड्स विच क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर जो है जितना भी अर्बन इंडस्ट्रीज है हमारी शहरों में ये पानी को जब नदियों में नालों में और कैनल्स में छोड़ा जाता है तो सारा पानी पॉल्यूट हो जाता है और जिससे कि लोगों की ज़रूरतों के लिए पानी की कमी हो जाती है और वो पानी विषैला हो जाता है। टुडे द रेन वाटर इज ऑल्सो गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन आज जो बारिश का पानी है वो भी पॉल्यूटेड होता जा रहा है क्योंकि द स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज द फुल स्मेल मिक्सेज विद रेन वाटर एंड पॉल्यूट्स इट सारे पानी के साथ मिल जाती है वातावरण में और हमारा बारिश का पानी भी पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। द यूज डर्टी वाटर दैट कम्स आउट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इज लेफ्ट इन टू द पोर्ड इन रिवर्स ये जो जितना भी पानी यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में जो रिवर्स में इनको छोड़ दिया जाता है और कैनल्स में या ग्राउंड में दिस ऑल्सो डिस्ट्रॉय एक्वाटिक लाइफ ये जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं पेड़ पौधे हैं और पानी के अंदर भी सब होते हैं ना पेड़ पौधे जीव जंतु उनके जीवन को भी पूरी तरह से विध्वंस कर रहा है। वी हैव हर्ड मैनी स्टोरीज अबाउट फिश लाइन डाइट जो बहुत सारी जो है मछलियाँ और मैराइन लाइफ में रहने वाले दूसरे जीव जंतु उनके जीवन को खतरे में पहुँचा दिया है। द सी वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द ऑयल ड्रिलिंग और जो हमारे जैसे जो पृथ्वी के अंदर से ऑयल निकाला जाता है मिनरल्स निकाले जाते हैं उसी तरह से हमारे समुद्र के अंदर से भी ड्रिल करके सारी चीज़ें निकाली जाती है तो पानी पॉल्यूट हो रहा है। वाटर पॉल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीजेज लाइक कॉलरा जॉन्डिस वोमिटिंग लूज मोशन एक्सेट्रा वाटर पॉल्यूशन के कारण ये सारी चीज़ें डे बाय डे बीमारियां बढ़ रही हैं चाहे वो कॉलरा हो जॉन्डिस हो वोमिटिंग हो लूज मोशन हो और अभी कॉलरा के साथ साथ हम और भी बहुत सारे एट प्रेजेंट हमको कोरोना का इफेक्ट हम देख रहे हैं कि हमारा जीवन ही शटल हो गया पूरी जिंदगी हमारी चेंज हो गई है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कैरी देयर ओन बॉटल्स many of our rivers have become like to drains these polluted rivers river water is again used for agriculture purpose also consequently the produce fodder and vegetables are full of polluted and becomes adulterated bachcho jo sare ganda pani jab use kiya jata hai ped paudon mein agriculture ke liye to usse hamari jo milawat ho gayi apne aap hi natural way mein sare ped paudon mein pahunch gayi aur hamare tak wo गंदगी वाली सब्जियाँ पॉल्यूटेड सब्जियाँ मिल गई। पीपल फ्रॉम एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी भी जो भी हमारे अलग अलग सोसाइटी के लोग क्या बनने चाहिए पॉलिटिशियंस फार्मर बने हुए हैं पॉलिटिशियन फार्मर इंडस्ट्रियलिस्ट एजुकेटेड इंडिविजुअल आर्टिस्ट और वर्कर्स डजंट हेजिटेटेड ऑल्सो टू एक्ट अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ अदर्स बट देयर आर सॉल्यूशन फॉर इट The water from industry should be purified first and then it should be left into the canals or rivers. Government should have proper control over industries and their policies. We would use water in a optimum way. तो जो नियम बनाने चाहिए सरकार को कि जो गंदा पानी है इंडस्ट्रीज का
और फैक्ट्रीज का उनको पहले प्यूरीफाई किया है, तब उनको जहाँ भी उन्हें ड्रेन करना है तब करें। इससे आधी से ज़्यादा समस्या हमारी वैसे ही फिनिश हो जाएगी रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन। अब हम नंबर टू पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन। जस्ट लाइक वाटर, एयर पॉल्यूशन हैज़ क्रिएटेड अ मैसिव प्रॉब्लम इन द होल वर्ल्ड। पानी की समस्या की तरह जो एयर पॉल्यूशन है, इसने भी हमारे पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा परेशानी का माहौल क्रिएट किया है। इन एवरी सिटी एंड इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस सर्टेन काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज हैव डेवलप। चाहे सिटीज हैं, कुछ गाँव हैं, वहाँ कुछ टाइप की इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया है। द स्मोक गैस एक्सेट्रा एमिटेड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज मिक्सेज विद एयर एंड कॉज एयर पॉल्यूशन। और ये सारी चीज़ें जब हमारी चाहे वो गैस है, स्मोक है, इंडस्ट्री से निकला हुआ हवा में मिलता है, तो एयर पोल्यूशन का रूप धारण कर लेता है। टुडे द यूज ऑफ मिनरल ऑयल हैज इंक्रीज इन एबंडेंस। मिनरल ऑयल का काफ़ी यूज किया जा रहा है एंड द व्हीकल रनिंग विद द फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल एमिट स्मोक एंड गैसेज लाइक न्यूट्रिशन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी चीज़ों के कारण जब हम बहुत सारे व्हीकल्स को चलाते हैं तो स्मोक निकलता है और हमारा वातावरण डे बाई डे और ज़्यादा पॉल्यूट होता जाता है। दीज गैसेज मिक्सेज विद एयर। ये सारी गैसेज किसके साथ मिक्स हो जाती हैं? हवा के साथ, एयर के साथ। देयर प्रोपोर्शन इन द एयर हैज ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। और पेड़ पौधों के कटने के कारण ये डे बाई डे बढ़ता जाता है। ड्यू टू लेस ट्रीज एंड वेजिटेशन द स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स मिक्स विद एयर। जो कम पेड़ पौधों के होने के कारण ये सारे जो जितना भी डस्ट पार्टिकल्स हैं हवा के साथ मिल जाते हैं। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ पॉइजनस गैस जो CO2 है हैज इंक्रीज ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है पेड़ पौधों के काटने के कारण, क्योंकि जब वो पेड़ और पौधे कम होते हैं तो ये सारे हवा में मिल जाते हैं पार्टिकल और हमारा जो वातावरण है और ज़्यादा दूषित हो जाता है। इट हैज लेड टू अ बर्निंग प्रॉब्लम नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। और इस तरह से ये जो बर्निंग प्रॉब्लम है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। जो दिन पर दिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। एयर पॉल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज लाइक अस्थमा, लंग प्रॉब्लम्स, नोजिया एक्सेट्रा। हम फेस ही कर रहे हैं कोरोना के कारण लंग प्रॉब्लम, पता है ना आपको, ये सारी एयर पॉल्यूशन से ही हो गया है। द डस्ट पार्टिकल्स मूविंग इन एयर लीड्स टू डिजीज लाइक कोल्ड कफ्स स्नीज एक्सेट्रा। इनके सारे सिम्टम्स कोरोना के हैं बच्चों, कोल्ड कफ स्नीज, है ना, और हमें सांस लेने में तकलीफ। सो देयर हैव बीन इंटेंसिस ऑफ पीपल डाइंग ड्यू टू द सफोकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिग्री पॉल्यूशन। इस पॉल्यूशन के कारण डिजीज जो हमारा आज के समय में एट प्रेजेंट जो कोरोना वायरस इसके वैक्सीन भी नहीं है, इसलिए कितने लोग मर रहे हैं, उनको यही सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, कोल्ड कफ स्नीज, लंग्स प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। सो द हॉटनेस इन एटमोसफेयर हैज इंक्रीज ड्यू टू पॉल्यूशन। और इसी कारण गर्मी भी बढ़ रही है हमारे वातावरण में। मैनी अ टाइम्स दीज पॉइजनियस गैस मिक्स विद क्लाउड एंड ब्रिंग एसिड रेन। और कई बार जब मिक्स हो जाती है सारी इम्प्योरिटीज हमारे रेन वाटर के साथ तो एसिड रेन भी होती है। इट इज हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन, जिससे जीव जंतु पशु पक्षी और जो हमारा वेजिटेशन है नेचुरल वेजिटेशन उसको काफ़ी नुकसान हो जाता है एसिड रेन से। टू प्रीवेंट एयर पॉल्यूशन इट इज नेसेसरी टू मेक सर्टेन रूल्स फॉर द इंडस्ट्रीज एंड इम्प्लीमेंट देम स्ट्रिक्टली। एयर पॉल्यूशन को बचाने के लिए कुछ जरूरी नियम बनाने चाहिए इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को, उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करने चाहिए। सच इक्विपमेंट शुड बी डेवलप विच हेल्प इन प्रॉपर प्रिकॉशन ऑफ एमिशन ऑफ स्मोक और पॉइजनस गैस। एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन शुड बी ऑर्गेनाइज। इंडस्ट्रियल फॉर्म्स विच डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स शुड बी पनिश्ड स्ट्रिक्टली। बहुत सारे जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं उनको सबको फॉलो करना चाहिए, लोगों में एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन लगानी चाहिए, और ऐसी इंडस्ट्री जो इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी ही चाहिए और उन्हें किसी भी हाल में बख्शा जाना नहीं चाहिए। दे शुड बी शट डाउन, और उनकी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को ख़त्म करके बंद करवा देनी चाहिए। वन शुड यूज पेट्रोल डीजल इन ऑप्टिमम मैनर। यूज ऑफ पॉल्यूशन फ्री फ्यूल लाइक CNG एंड PNG विल हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट। पेट्रोल और डीजल के बदले में CNG और PNG यूज़ करना चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन कम। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PVC व्हीकल शुड बी इम्प्लीमेंटेड। और इम्प्लीमेंटेशन PVC और व्हीकल्स के लिए बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। जो कायदे नियम कानून बनाए गए सबको उन्हें फॉलो करना चाहिए, तभी इन सब में हम क्या कर पाएंगे, एक तरह से रोक लगा पाएंगे। तो आज आपको मैंने वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन समझाया, इसे आप पढ़िए और अच्छे से समझिए।
अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो रिमेनिंग पॉइंट्स है इसका लैंड पॉल्यूशन समझाऊंगी और साथ में नॉइज पॉल्यूशन भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट वन हमारा आज यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू।